Hey guys, what's up? कैसे हो आप सभी लोग? Welcome back to a new gameplay series, guys. आज हम लोग खेलने वाले हैं Tomb Raider. Alright, ये gameplay काफी ज्यादा amazing होने वाली है क्योंकि इस game में हमें काफी ज्यादा extreme level के adventuring करनी है और ये adventure सिर्फ पहाड़ पर नहीं होने वाला, ये होने वाला है dangerous game. खतरनाक सी और माउंटेन थिंग. तो आर यू गाइज रेडी फॉर दिस डेडली एडवेंचर? लेट्स गो. ऑल राइट गाइज, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टॉम्ब रेडर. फिलहाल यहाँ पर स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे सुन लेते हैं. ओके, ये शायद अपनी कैरेक्टर है. आई थिंक अभी हम लोग ड्रैगन ट्राइंगल साउथ ऑफ जापान. ओके, अभी हम लोग जापान के एक सी में है एंड लगता है यहाँ पर तूफान आया है. भाई साहब, कुछ तो गलत होने वाला है. ओ भाई यार, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है. भाई अभी तो स्टार्टिंग ही है और ये इतना ज़्यादा एपिक लेवल पे जा रहा है. नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं यार ये. ओ शिट, क्या डेथ हो गई क्या? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कोई ट्विस्ट आना चाहिए. ओके ऑलराइट, सब कुछ ठीक है, अपने टीम मेंबर्स ने हमें बचा लिया. बाकी शिप के दो टुकड़े हो गए हैं. भाई क्या खतरनाक तूफान है. और भाई साहब अभी हमें शायद सामने की तरफ जंप लगा. ओह दैट्स गुड, ये बढ़िया था. और ये चलो अच्छा है, पकड़ लिया है. लेकिन नहीं यार, मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ होने वाला है. भाई साहब अब लगता है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरियस गेम होने वाली है, इसमें मज़ा आने वाला है. वो भाई, अचानक से ऐसी गेम में जंप स्क्वायर मिल जाते हैं तो फिर हॉरर गेम होती तो समझ में आता कि जंप स्क्वायर होने वाले हैं. लेकिन इस गेम में अचानक से ऐसे जंप स्क्वायर निकल के आता है तो भाई गूस बम्प आ जाते हैं क्योंकि हम लोग रेडी नहीं होते इसके लिए. फिलहाल गाइज अभी हम लोग सेफली एक आइलैंड पे आ गए हैं एंड यहाँ पर शायद ये अपना शिप है पीछे, क्या मुझे ऐसा लगता है. लेकिन भाई साहब हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है अपने कैरेक्टर की. ओके, ये सारे शायद अपने टीम मेंबर्स हैं और आई थिंक हम लोग ओके नीचे की साइड में हैं. बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है इसलिए शायद कोई हमारी आवाज़ सुन नहीं पा रहा है. आई थिंक हमें खुद वहाँ पर चलना होगा. अरे भैंस की यार, ये क्या था? ऐसा लगता है किसी ने हम पे पीछे से अटैक किया है. समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी जगह पे हमें लेके आ गया और आखिर वो था कौन. भाई किसी ने हम पे पीछे से अटैक किया एंड वो हमें सीधा यहाँ पर लेके आया. बाकी नीचे की साइड स्केलेटन ही स्केलेटन है. ये जगह काफ़ी ज़्यादा गंदी वाइब दे रही है मुझे. आई थिंक यहाँ पर कुछ तो गलत होने वाला है. ये शायद किसी की बॉडी यहाँ पर लटका रखी है. हाँ यार, ये कौन सी जगह है और कौन हमें यहाँ पर लेके आया, समझ में नहीं आ रहा. बाकी अपनी ओके यहाँ पर है एंड शायद अभी हमें भी किसी ने लटका के रखा है. ओ भाई साहब, यानी किसी ने हमें ऊपर की साइड से लटका रखा है. भाई यहाँ से कैसे निकल सकते हैं? आई थिंक ओके मैं समझ गया, अभी हमें राइट लेफ्ट होना होगा जिससे हमारे आगे जो बॉडी है उसे धक्का लगेगा और सामने जो आपको फायर दिख रही है वो फायर इस बॉडी पर लगेगी एंड शायद आगे का रास्ता कोई निकलेगा. बाकी यहाँ पर फायर लग गई है लेकिन क्या हुआ भाई कुछ. ओके, यहाँ वुड जो है साइड में वहाँ पर आग लग गई है तो अभी हमें इस फायर की साइड में अपने प्लेयर को धकेलना है जिससे हम पर भी फायर लग जाए. बाकी थोड़ा सा रह गया, मुझे और ज़्यादा पास लेके जाना होगा. ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं उसे ले जा सकता हूँ. ओके
शायद अपने ऊपर आग लग गई है एंड अभी शायद हम लोग नीचे गिरने वाले हैं। वो ना 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 प्लीज यार नहीं। ओ शिट यार, भाई साहब यार ये क्या है भाई, समझ में नहीं आ रहा अभी। ठीक है मुझे इसे निकालना होगा, लेकिन ये निकलेगा कैसे? ओके ठीक है, ऑल राइट अभी ये निकल जाना चाहिए। वो निकल गया भाई, मुझे ऐसा लगा अपना गेम ओवर हो गया, लेकिन बाकी है अभी। चलो अभी मुझे शायद आगे की साइड जाना है, लेट्स गो। हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है अपने कैरेक्टर की, लेकिन ठीक है हमें आगे बढ़ना होगा। और मैंने आपको कहा था ये कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल का एडवेंचर होगा, एंड ये तो बस स्टार्टिंग है, आगे पता नहीं और क्या क्या होगा। फिलहाल सामने की तरफ किसी की बॉडी लटकाई हुई है एंड इस साइड में फायर, पता नहीं क्या, टॉर्च। ओके टॉर्च है, इसे ले लेते हैं एंड अभी यहाँ से चलते हैं। बट भाई जहाँ पर भी देखो स्केलेटन ही स्केलेटन है, पता नहीं यार ये कौन सी जगह पे हम लोग आ गए हैं। फिलहाल यहाँ पे मुझे फायर लगानी होगी क्योंकि इससे आगे का रास्ता जो है वो ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा वेट कर। ओके आग जल्दी बुझ गई, चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ से हम लोग आगे चल सकते हैं। और अभी मुझे ऐसा लगता है ये किसी केव में हम लोग फंसे हुए हैं। फिलहाल अभी हमारा मेन काम यही है कि हमें किसी तरह इस वाली केव से निकलना है एंड अपने टीम मेंबर से मिलना है। बाकी अपनी टॉर्च बंद हो गई थी, यहाँ से फायर ले लेते हैं। और अभी मुझे लगता है हमें सामने की तरफ जाना है, तो आगे रास्ता नहीं है। ओके मैं समझ गया, यहाँ पर हम लोग फायर लगाएंगे तो सामने की तरफ जो रास्ता बंद है अपना वो फायर की वजह से ओपन हो जाएगा। बस थोड़ा सा अपने को वेट करना है एंड अभी शायद ये ओपन हो जाएगा। आग लग गई है। बाकी भाई साहब मुझे लगा सिर्फ रास्ता ओपन होगा, इतना बड़ा ब्लास्ट होगा ये नहीं सोचा था। चलो कोई बात नहीं, अभी अपना आगे का रास्ता ओपन हो गया है। बाकी मुझे थोड़ा सा संभल कर रहना होगा क्योंकि ये केव है। ओ ये वही बंदा था जिसने हमें कितने स्किप भैंस की यार ये पकड़ने और फिर छोड़ दे भाई, अलग ही पागल बंदा है। अच्छा हुआ सही टाइम पे रास्ता बंद हो गया। एंड मुझे ऐसा लगता है ये वही लोग है जिसे हम ट्राइबल कहते हैं, यानी आदिवासी लोग, या फिर कोई और भी हो सकता है पता नहीं। लेकिन इस केव में इतने ज़्यादा अजीब रास्ते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ पे निकल के जाते हैं। और उससे भी ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात ये, हर जगह पे इतने ज़्यादा स्केलेटन क्यों है, पता नहीं क्या सीन है। लेकिन गाइज अभी यहाँ हमें थोड़ा सा संभल कर रहना होगा क्योंकि इस केव में ऊपर से हमारे पे कुछ भी गिर सकता है। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से बाहर तो निकल गए हैं एंड अपना आगे का रास्ता भी खुल गया है। ओ शिट फिर से टॉर्च बंद हो गई है। वेट यहाँ पर कुछ तो हिंट दे रहे हैं हमें। ओके ये जो रास्ता है ये बंद है और अभी हमें उसे ब्लास्ट करके ओपन करना है जो हमने अभी पीछे किया था। तो अभी मैंने फायर को ले लिया है और इसे ब्लास्ट कैसे करेंगे, अभी मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो फिर से ये फायर बुझ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है हमें ऊपर की साइड जाना चाहिए, शायद उसी से कुछ हमें मिल जाए। तो यहाँ से हम लोग ऊपर की साइड जा सकते हैं। बाकी थोड़ा सा ये ट्रिकी है मुझे ऐसा लगता है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। ओके मुझे इसे पुश करना है। नहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, ये वापस अपनी जगह पे आ गए। इसे आई थिंक कुछ तो हमें करना होगा जिससे ये नीचे की साइड गिर जाए। ओके यहाँ से नीचे चलते हैं और समझ में नहीं आ रहा अभी क्या करना चाहिए हमें। देखते हैं यहाँ पर हमें कुछ मिलता है जिससे वो जो केज है उसे हम नीचे गिरा सकें। मुझे पता नहीं है उसे नीचे गिराना है या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें आग लगानी है क्योंकि इसका ऑप्शन आ रहा है। ओके एक और है, इस पर भी फायर लगा लेते हैं। और राइट आई थिंक अभी ये केज ऊपर गई है तो फिर उस केज को हम नीचे गिरा सकते हैं। तो लेट्स सी ट्राई करते हैं, इस बार हो जाना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। अरे अभी नीचे गिर जाता, चलो अच्छा है बच गए। फिलहाल अभी इस वाली केज को फिर से पुश करते हैं एंड
वेट यार, कुछ नहीं हो रहा, मुझे यहाँ पर कुछ दूसरा ट्राई करना चाहिए। ओके, ये केज ऊपर आई थी, इस पर मैं जंप कर सकता हूँ। ओके ऑल राइट गाइज, अभी ना मैं सब कुछ समझ गया। हमें इस केज को नीचे लाना था, जिससे वो सामने सामान दिख रहा है आपको, वो ऊपर वाली केज में जाके गिरा है। और जहाँ तक मुझे पता है, हमें उस सामान को जलाना होगा और फिर इस केज को पुश करना है। तो फिलहाल इस बॉक्स को जलाते हैं एंड अभी इस वाले केज को पुश करते हैं। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। आई थिंक अभी हो जाना चाहिए। ओके, बाहर चली गई। ओ भाई साहब, काफ़ी गंदा वाला ब्लास्ट हुआ है। और अभी हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना है, क्योंकि ब्लास्ट की वजह से पूरी की पूरी केव गिरने वाली है। तो थोड़ा सा भी अगर लेट हो गए तो फिर भाई मरने वाले हैं। बाकी यार काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। ओ शिट भाई, बच गए, लेकिन यहाँ पे खतरा भी बाकी है। ओ शिट भाई यार, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गलत सीन हो गया है। बस मुझे भाग के रहना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। और भाई आई तो ऐसे जंप करना है, लेकिन फिर भी रुकना नहीं है, चलते जाना है। बाकी यार ये केव कभी भी अपने सर पे गिर सकती है यार, ऐसे में कितना ज़्यादा समझ गए। अरे यार ये पागल फिर से आ गया, इसकी तो यार निकलती रही है ऐसी कभी ऐसी। भाई अलग ही बंदा है, कहीं से भी आ जाता। ओ भाई, उस पर पूरा पत्थर गिर गया। एंड अभी यहाँ से चलना होगा यार, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरियस सिचुएशन हो रही है। और ये लोग फिर से कांड हो गया इसकी तो, लेकिन हम लोग सेव है, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। सामने की तरफ मुझे बाहर का रास्ता नज़र आ रहा है, लेकिन ये जगह पता नहीं कैसी है, काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो रहा है। फटाफट से यहाँ से निकलते हैं बस, बहुत ही दूर हो रहे थे यार। सामने की तरफ से पत्थर गिर रहे हैं, क्या मुसीबत है यार। इमेजिन नहीं कर सकते, अगर एक बार वो पत्थर हमारे पे गिर गया तो फिर अपना क्या हाल होगा। भाई यार आज तो पूरे फंसे हैं यार, निकल निकल जल्दी, वरना अंदर रह गए तो पता नहीं क्या होगा। बस थोड़ा सा ही रह गया है। एंड ऑल राइट गाइस, फाइनली हम लोग यहाँ से निकल गए। भाई यकीन नहीं हो रहा, हम लोग एक डेड लीक के उसे वो भी जिंदा बच के निकल गए। ऐसा लगता है एक नई सुबह हुई है, लेकिन सच में यार ये काफ़ी ज़्यादा स्कैरी और चैलेंजिंग था। और अभी तो पता नहीं इससे आगे और क्या क्या होने वाला है हमारे साथ। भाई ये केव तो काफ़ी ज़्यादा अलग ही एक्सपीरियंस था, लेकिन शायद ये तो सिर्फ शुरुआत है, पता नहीं आगे और क्या क्या होने वाला है। बाकी गाइज आप बताओ, आपको ये वाली गेम प्ले सीरीज़ कैसी लगी? हमें इसे कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर नहीं, मुझे कमेंट में बताओ। बाकी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वाली गेम प्ले वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।